राजगढ़ में पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार तड़के सुबह गुलखेड़ी गांव में दबिश देकर 14 दुकानों को ढह दिया। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि कई अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक गुलखेड़ी में अवैध शराब के कारोबार के फलने फूलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर SP के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम ने गाँव में दबिश देते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर की मदद से अवैध शराब के ठिकानों को ढहाने का काम किया गया और देखते ही देखते दुकानों में इमारतों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। कुल 14 दुकानों को तोड़ा गया है।